थैंक यू बोली बोली बोला थैंक यू सर थैंक यू कि नौकरी में लखनऊ नहीं आ गए बिहार ही इनकी एक तरीके से सक्रियता की जमीन थी और बिहार में बहुत सारे लोग कवियों लेखकों में इनके मित्र हैं और अक्सर जब भी पटना या कहीं जाइए तो इनकी इनकी बातें लोग करते हैं पूछते हैं तो उनके उसी दौर के साथी और चंद्रेश्वर जी जो हमारे जसों से जुड़े हुए हैं मैं उनको कौशल जी और उन पर उनकी कविता संग्रह और जो उस पर अपनी बात रखने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ चंद्रेश्वर जी को। वो कहते हैं शुरुआत के हमारे मित्रों में शकील सिद्दीकी जी राकेश जी वीरेंद्र यादव जी इन लोगों के साथ लखनऊ में उन्होंने अपना आरंभ किया तो शकील सिद्दीकी जी एक पुस्तक जो है रामशरण शर्मा जी की है जो उन्हें और सभागार में उपस्थित मित्रों हैं और जिनके साथ हमने संघर्ष किया है मिलजुल करके कि अब तक के इतिहास दार्शनिकों ने इतिहास की व्याख्या की है हमारा काम उसे बदलना है तो ये बदलाव का जो पूरा दर्शन और विज्ञान था उसी में हम दीक्षित होकर साहित्य की दुनिया में समाज की दुनिया में हम आए मार्क्स बहुत बड़े साहित्य मर्मज्ञ भी थे वो ग्रीक कलाओं और होमर के प्रशंसक थे उनके प्रिय लेखक बालजात थे मार्क्स कविता के बारे में मार्क्स कहते हैं कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है जरा गौर करिए कि मनुष्यता की मातृभाषा है लेकिन आज हम जिस दौर में हैं वहाँ मनुष्यता पर ही सबसे ज़्यादा चोट की जा रही है उसे ही लहूलुहान किया जा रहा है पूरी दुनिया में निरंकुश और हमारा देश तो उसकी प्रयोगशाला बन गया है यह ऐसा दौर है जिसमें हम आज मार्क्स की को याद करते हैं मुझे लगता है कि आज के इस दौर से निकलने में यही विज्ञान जहाँ तर्क है विवेक है विज्ञान है ज्ञान है वास्तव में यही रास्ता निकल सकता है मित्रों हमारे बीच में नरेश जी हैं नरेश जी की कविता कहते हैं कविता ऐसी जो बुरे वक्त में काम आए तो कविता क्योंकि जब समाज इस तरह का है आपको अपनी पक्षधरता आपको अपनी प्रतिबद्धता तय करनी होती है मुक्तिबोध ने कहा था तय करो किस ओर हो तुम आज तो लड़ाई है प्रेम और घृणा के बीच की लड़ाई आज लड़ाई है आदमी और आदमखोरों के बीच की लड़ाई है और हमें एक साहित्यकार को एक रचनाकार को भी अपनी दिशा तय करनी पड़ती है और उसे भी तय करनी पड़ेगी कवि में कविता होता है हम बेचैन होते हैं तमाम ऐसी परिस्थितियां हमें परेशान करती हैं लेकिन हम जब कोई हमारे अंदर से रचना फूटती है तो कहीं ना कहीं उस बेचैनी से हमें मुक्ति भी मिलती है उस तनाव से हम मुक्त भी होते हैं तो एक कवि सबसे पहले उसका प्रतिरोध उसकी रचना में दर्ज होता है लेकिन यह दौर है जब आप सिर्फ कविता में नहीं होते आपको कविता से बाहर भी होना पड़ेगा और होना पड़ता है कर्ज के बीच से तैयार मेरी समझ है कि समय अपने रचनाकार को गढ़ता है उसे बनाता है उसी तरह कभी भी रचनाकार भी अपने समय से मुठभेड़ करता है उसमें हस्तक्षेप करता है और अपने समय को रचता है यह संग्रह जो आपके बीच है